आजाद है आजाद रहेंगे श्रृंखला है ही ऐसी, जहां पर हम क्रांतिकारियों के विषय में ढूंढना शुरू करते हैं और क्रांतिकारियों के विषय में इतिहास शांत हो जाता है। वैसे भी इतिहास और साहित्य में थोड़ा अंतर हो जाता है। इतिहास एक ऐसा विषय है जहां पर चीजें फैक्चुअल ज्यादा होती हैं, लेकिन सत्यता बहुत लिमिटेड होती है। वहीं पर साहित्य में सत्यता बहुत ज्यादा होती है, पर शायद फैक्ट आपको बहुत कम मिलेंगे। इसीलिए जब हम साहित्य पढ़ते हैं तो साहित्य में हमें पता चलता है ऐसे ऐसे वीर गाथाओं के विषय में जिनके बारे में इतिहास तो साफ है, इतिहास कुछ नहीं कहता, क्योंकि इतिहास सिलेक्टिव माइंडसेट से लिखा जाता है। आज हम बात करने वाले हैं दक्षिण भारत के एक ऐसे महावीर की जिनके नाम में महावीरन है, क्योंकि कद ही उनका ऐसा था और उनका जज्बा भी कुछ ऐसा था। आजाद हैं आजाद रहेंगे श्रृंखला की इस कड़ी में हम बात करने वाले हैं महावीरन श्री अलगुमुथु कोणे यादव की। तो चलिए जानते हैं इनके विषय में। महावीरन श्री अलगुमुथु कोणे यादव का जन्म 11 जुलाई 1710 को तमिलनाडु के तूतीकोरिन में तमिल यादव परिवार में हुआ था। जैसे नाम में महावीरन लगा है, वैसे ये हनुमान जैसे महावीर भी थे, बलिष्ठ कटघाती थी। यह देखकर मदुरई राजा ने उन्हें अपना प्रधान सेनापति नियुक्त कर लिया, पर वहां काम करने की वह आजादी उन्हें नहीं दिख रही थी और साथ में ही अंग्रेज बहुत ज्यादा उनके कार्यों में दखल दिया करते थे। इस वजह से उनका मदुरई के राजा से संबंध विच्छेद हो गया। उन्होंने कहा आज से मैं मदुरई के लिए सेना का कार्य नहीं करने वाला। इनके विषय में पता चल चुका था तिरुवनवेली के राजा को और उन्होंने सहर्ष इन्हें अपनी सेना में स्वीकार कर लिया। तलवारबाजी का शौक था, घुड़सवारी में ये महारथी थे, तो ऐसे में ऐसे सेना नायक को अपनी सेना में भला कौन नहीं रखना चाहेगा। उसी दौर में अंग्रेजों के साथ युद्ध छिड़ गया। बात है 1756 की, युद्ध छिड़ गया और युद्ध में एक लोकल राजा भी अंग्रेजों का समर्थन कर रहा था और उस राजघराने का नाम था मरुथाना यगम। मरुथाना यगम जो राजघराना है वह अंग्रेजों के साथ इसमें शामिल था। लड़ाई लगातार चल रही थी, हर तरफ से गोले बारूद की बौछार हो रही थी और उसी दौर पे अलगुमुथु कोणे यादव ने कई सारे अंग्रेज सिपाहियों को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन सेना थी कमजोर, क्योंकि अंग्रेजों के पास ऐसे ऐसे हथियार थे जो इस राजघराने के पास नहीं थे। राजा एटेयप्पा अपने सहयोगियों के साथ जंगल में जा छुपे और वहां से गोरिल्ला युद्ध तकनीक के तहत अंग्रेजों के दांत खट्टे करते चले आ रहे थे। और वहीं पर अलगुमुथु कोणे यादव, उनको संभालना तो अंग्रेजों के बस की बात थी ही नहीं। अंग्रेज अगर दाएं से आते तो दायां हाथ आगे उठता, अंग्रेज अगर बाएं हाथ से आ गए तो बायां हाथ आगे उठता। अंग्रेजों के छक्के छुड़ा के रख दिए थे, कई सारे अंग्रेज उनके एक झापड़ को सह नहीं पाते थे और जमीन चाट लेते थे। ऐसे थे अपने यह महावीर। लेकिन कहते हैं ना कि भारत में हमेशा ऐसे लोग रहे हैं जो इस देश की आजादी पर ही बट्टा लगाने के लिए पैदा हुए थे। ऐसे ही कुछ लोगों ने कर दी मुखबिरी और अलगुमुथु कोणे यादव और साथ में उनके साथियों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अंग्रेज उनको गिरफ्तार करने से डर रहे थे, कहीं ऐसा ना हो कि यहीं पर वह मारना चालू हो जाएं। इन लोग को बंदी बना लिया जाता है और कारागार में डाल दिया जाता है। वहां पे जितने भी साथी थे उन साथियों के दाहिने हाथ काट दिए जाते हैं, नहीं अलगुमुथु कोणे यादव के हाथ नहीं काटे जाते हैं, उनको तोप के आगे खड़ा करके तोप से उड़ा दिया जाता है। भारत माता का यह सपूत भारतीय आजादी की लड़ाई लड़ते हुए शहीद हो जाता है। ये सच सच बताइएगा, क्या आपने सही में इनका नाम सुना था? क्या आप सही में इनके विषय में जानते थे? अगर आप दक्षिण भारत के होंगे तो शायद इनके विषय में सुना होगा, लेकिन अगर आप उत्तर भारतीय हैं तो मैं यह दावे से कह सकता हूं कि आपने इनके विषय में कभी नहीं सुना होगा और न इतिहास की किताब इनके विषय में कुछ कहती है। क्या वह समय नहीं आया जहां पर हम ऐसे अपने वीर और वीरांगनाओं का नाम अपने इतिहास की पुस्तक में शामिल करें और भारत के घर घर में इस कहानी को पहुंचाएं? आजादी का 75 वर्ष पूरा होने वाला है,
और फिर भी हम भारत के ऐसे वीर सपूतों से अनजान बैठे हुए हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आने वाला समय भारत के इन वीर सपूतों को वो सम्मान देगा जिस सम्मान के ये हकदार हैं। अगले एपिसोड में फिर हम बात करेंगे एक ऐसे ही क्रांतिकारी की जिसके विषय में इतिहास थोड़ा सा कहता है। जी हाँ, उनका नाम आपने जरूर सुना होगा। आप चाहे उत्तर भारतीय हो चाहे दक्षिण भारतीय, उनका नाम आपने अवश्य सुना होगा। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम और भारत माता की जय।